What you are doing today, tomorrow will decide future. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please like, share and subscribe. Let's start. तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से. हमारा क्वेश्चन था, वेयर इज साइंटिस्ट फाइंड इनिशियल मैमल स्टेपिंग स्टोन ऑफ मैंगेलानोडोन बायास्केन. वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक स्तनधारी मैंगेलानोडोन बायास्केन के प्रारंभिक चिन्ह कहाँ पाए? तो ऑप्शन है हमारे टोरेस डेल पाइने नेशनल पार्क, एल कैलेटिन, लॉस ग्लेशियर नेशनल पार्क, नन ऑफ द अबव. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टोरेस डेल पाइने नेशनल पार्क. जो ये नेशनल पार्क है वो जो है वो रिमोट एरिया है पटंगोनिया, फेमस जो ग्लेशियर है केप्ड एंडेन का स्पेयर्स एंड फ्रिज ओशन, जहाँ पर फ्रिज ओशन वाटर है. और यहाँ पर जो मैमल है ये इन्हें डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो है वो स्टेपिंग स्टोन है, इवोल्यूशनरी स्टेपिंग स्टोन है एग लाइंग मैमल जैसे कि प्लेटिपस और मार्सुपियल मैमल के बीच का. बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन विच स्टेट ऑफ इंडिया राजा पर्व फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? भारत के किस राज्य में राजा पर्व समारोह मनाया जाता है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. तो इसका सही ऑप्शन है उड़ीसा. जो राजा पर्व है फेस्टिवल वो उड़ीसा में मनाया जाता है और ये 3 दिन तक की चलने वाला फेस्टिवल है जो कि मदर अर्थ और वुमेनहुड को सेलिब्रेट करता है. जो फेस्टिवल है वो बिगिन होता है डे बिफोर मिथुना संक्रांति एंड कंक्लूडेड 2 डे आफ्टर दैट. मतलब मिथुना संक्रांति के 1 दिन पहले शुरू होकर उसके 2 दिन बाद तक चलता है. तो ये फर्स्ट डे जो फेस्टिवल का दिन है वो उसे हम कहते हैं पहली राजा, दूसरे दिन को मिथुना संक्रांति और तीसरे दिन को कहते हैं बुहुदा और बासी राजा. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज अम्योबाइसिस और अम्योबिक डायसेंट्री? अम्योबाइसिस या अम्योबिक पेचिस किस तरह का संक्रमण है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पैरासिटिक इन्फेक्शन. जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है वो कॉलन जो कहता है अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है अम्योबाइसिक पैचिस जो है. और WHO के हिसाब से जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो थर्ड लीडिंग काउज जो है मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी है ड्यू टू पैरासाइट डिजीज इन ह्यूमन, पैरासिटिक डिजीजेस में के से जो ह्यूमन में होती है. और ये प्रोटोजोअन्स जो है वो एनारोबिक और माइक्रो एरोफिलिक नेचर के होते हैं. मतलब इसमें ये क्या होता है कि जो एनारोबिक का मतलब होता है कि इनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर कंसंट्रेशन ऑफ जो है वो ज़्यादा होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. जबकि अगर जब ये ह्यूमंस के बॉडी में जाते हैं तो उनकी बॉडी में इन्हें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा मिलती है. तो उसकी वजह से ये वहाँ पर जहाँ पर ये पहुँचते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सिस्टीन बनाने लगते हैं और जो कि ऑक्सीडेटिव को स्ट्रेस काउंटर स्ट्रेस करता है ऑक्सीजन को. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूडनल क्लोजर टू बेंगलुरु? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बेंगलुरु के निकटतम देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, तिरुवनंतपुरम. तो इसका सही ऑप्शन है भोपाल. तो जो बेंगलुरु 77.59 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल और भोपाल जो है 77.49 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन कमीशन? भारतीय महासागर आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इट इज़ एन इंट्रो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन माउरिटियस. इंडिया अलॉन्ग विद चाइना इज एन ऑब्जर्व मेंबर ऑफ IOC बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी. तो इसका सही ऑप्शन है बोथ ए एंड बी ऑप्शन यानी सी.
तो इंडिया ओशन कमीशन जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल रीजनल फोरम है साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में, और जिसके 5 नेशन मेंबर हैं, कोमोरस, फ्रांस, रियूनियन और मदगासकर और माउरिटियस एंड सेशेल्स। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है माउरिटियस में, और इंडिया जो है वो हाल ही में इसका मेंबर ग्रांट किया गया है, उसे स्टेटस मिला है IOC का। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे 2020? विश्व एल्बिनिज्म दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन है एडवांस विद रिन्यूड होप, शाइनिंग अवर लाइट टू द वर्ल्ड, स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, मेड टू साइन। तो इसका सही ऑप्शन है मेड टू साइन, यानी कि ऑप्शन डी। तो ये हर साल जो है वो जून 30 को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये जो है वो हाईलाइट करता है राइट ऑफ दोज बॉर्न विद एल्बिनिज्म, ये उनके राइट्स को हाईलाइट करता है जो एल्बिनिज्म के साथ पैदा हुए हैं, और इंक्रीज करता है अवेयरनेस उनकी इनकी जेनेटिक कंडीशंस की। और इस साल की थीम है मेड टू साइन, और एल्बिनिज्म जो है वो एक रेयर डिजीज़ है, और अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के हिसाब से इसे लैक ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन स्किन हेयर एंड आइज, मतलब जब हमारी बॉडी में हेयर्स में और आंखों में जब मेलानिन की पिगमेंट की कमी हो जाती है तो एल्बिनिज्म डिजीज़ हो जाती है। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हु लॉन्च्ड अ रोबोटिक कैप्टन अर्जुन फॉर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? रेलवे सुरक्षा बल के लिए एक रोबोट कप्तान अर्जुन को किसने लॉन्च किया? हरियाणा, पुणे, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो घंटी है उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ उस घंटी को ज़रूर बजाएं ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।